फ्रेंड्स, जब तक बारिश का मंथ चलेगा मैं अपने हर वीडियो में आपको याद दिलाती रहूंगी, जल्दी करें, प्लांट्स लगा लो, प्लांट्स लगा लो। तो मेरी आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे प्लांट्स बताए हैं, वो भी महंगे महंगे प्लांट्स बताए हैं, लेकिन इनको आप इजीली लगा सकते हो। अच्छा, आपसे कटिंग नहीं लगती है? कोई नहीं, कटिंग नहीं लगती है, नहीं सक्सेसफुल होता है तो कोई बात नहीं। आज हम लोग साइड से प्लांट्स निकालकर नए प्लांट्स रेडी करेंगे, वो भी इंस्टेंट। जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी बनता है ना, उसी तरह इंस्टेंट आपका प्लांट्स भी लग जाएगा और तुरंत उसमें ग्रोथ भी हो, क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है और बारिश में सभी जानते हैं कि प्लांट्स का प्रोग्रेस बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी वो बढ़ता है, ग्रोथ करता है। तो हम लोग आज साइड से प्लांट्स निकालेंगे, मीन्स डिवाइड करेंगे, बाकी हम लोग आगे समझते जाएंगे किस तरह से करना है, क्या करना है। लेकिन बहुत ही इजी वे है ये वाला, कटिंग से भी इजी होता है। हालांकि मुझे पर्सनली कटिंग से लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला वे भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी है और इसमें कोई झंझट ही नहीं है कि रूट नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी रूट बना रहेगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहिन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मजे में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले सॉयल का प्रिपरेशन की हूँ। तो सॉयल के लिए मैंने लिया है गार्डन सॉयल, कोकोपीट, सैंड और कंपोस्ट। इसमें से आप कोकोपीट स्किप कर सकते हैं, बल्कि आप ना ही लो, क्योंकि अभी बारिश का टाइम पे कोकोपीट का कोई काम नहीं। मुझे लेना पड़ता है क्योंकि मेरे यहाँ की मिट्टी वैसी है, अगर कोकोपीट ना लूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से मुझे कोकोपीट लेना पड़ता है। आप मत लो कोकोपीट। और बहुत सारी ऐसे प्लांट्स मैं बताऊंगी जिसमें कि आपको प्लेन गार्डन्स वाली ले लो तो वो भी काफ़ी है, आगे मैं बताती भी जाऊँगी। तो ये है मेरा पहला प्लांट, बहुत ही खूबसूरत है, ईजी टू केयर और ईजी टू प्रोपगेशन है। इसको हम लोग प्रोपगेशन करेंगे डिवाइड करके। ये जो आप सामने से देखोगे ना तो एकदम प्लास्टिक का जैसा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है वेरीगेटेड स्पाइडर लेडी। इसको दो प्लांट मिक्स करके मैं लगाई हूँ, एक तो है डायरेसेना, इसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, बात करेंगे स्पाइडर लेडी के बारे में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लो केयर में चलने वाला ये प्लांट है। इसको मैं अभी डिवाइड करूँगी, डिवाइड करके मैं आपको सामने से दिखाऊँगी कि किस तरह से इसको लगाना है और इसकी क्या केयर करनी पड़ती। केयर के नाम पे तो इसको ज्यादा कुछ भी नहीं केयर करना पड़ता, बस आप एक बार कहीं से भी इसको डिवाइड करके ले आओ और उसके बाद आप इसको लगा के भूल जाओ तो ये एकदम लो केयर में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही प्यारा प्लांट है। जब भी कोई भी प्लांट को आप डिवाइड करें तो डिवाइड करने से पहले आप बहुत अच्छे से उसको पानी से फिल कर दें, सो दैट कि वो निकालने में आपके लिए इजी हो, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ डिवाइड करना है, रिपोर्टिंग नहीं करनी। अगर रिपोर्टिंग करना होता तो मेरे लिए काम बहुत इजी होता, बट अभी मुझे निकालना है साइड से, वो भी सारे प्लांट्स को बचा के निकालना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब था, क्योंकि बहुत सारा आप जैसे कि देख ही रहे हो, बहुत सारा एक पॉट में बहुत सारा प्लांट है, उसमें से मुझे निकालना, और ये अपने मदर प्लांट से इतना ज़्यादा उलझा हुआ था, उससे निकालना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। आपको देखने में इजी लग रहा है लेकिन मेरा पसीना छूट गया था इसको निकालने में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जकड़ा हुआ था, इसका जो रूट है बहुत ही मुश्किल से निकला और यहाँ पे मैंने निकाल लिया, बहुत ही मुश्किल से निकाली बट निकल गया। और ये देखो, ये इसका बल्ब है, बल्ब के थ्रू ये होता है इस तरह से, अब जब निकालोगे तो इस तरह से आपको बल्ब मिलेगा और आपको अब इसको लगा देना है सॉइल मिक्सचर में। अब मैं इसको सॉइल मिक्सचर में लगा दूंगी और सॉइल मिक्सचर में मैं वही ली हूँ जो आगे मैंने बताया था। अब बस इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर का छिड़काव करूंगी, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो आप ज़रूर से यूज़ करें हल्दी पाउडर का, या फिर आप जो भी यूज़ करते हो मार्केट से अगर ला के यूज़ करते हो तो कोई भी चीज़ ज़रूर अपने सॉइल मिक्सचर में डालें, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, कीड़ा मकौड़ा लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है और ये हल्दी पाउडर तो ईजिली घर में मिल ही जाता है, तो इसका यूज़ आप ज़रूर ज़रूर से करें। और यहाँ पर मैं रूटिंग हार्मोन ली हूँ, रूटिंग हार्मोन की जगह आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हो, तो आप इसको लगाकर मैं इसको इंसर्ट कर दूंगी। देखा ना आपने कितना जल्दी इसमें प्रोपगेशन हो जाता है और इसको ना लगने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि इसमें तो रूट्स बना ही हुआ है, तो ये बहुत ही जल्दी मेरा फैल जाएगा और बहुत ही जल्दी ये मल्टीप्लाई भी करेगा। बहुत ही इजी टू केयर है और इजी टू प्रोपगेशन है, जैसे कि आपने देखा। और केयर के नाम पे मैं इसका लोकेशन बता देती हूँ कि कहाँ रखना है। तो इसको आप वहाँ रखना जहाँ पर सुबह के 2-4 घंटे की धूप आए। और वाटरिंग की बात करूँ तो वाटरिंग तभी करना जब ऊपर का लेयर थोड़ा सा ड्राई दिखे, ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है और अंडर वाटरिंग भी नहीं करना। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अपना जो पॉट है वो खाली सा लग रहा था, तो मैंने एक और बहुत सारे हिम्मत करके एक और निकाली हूँ और इसको भी इंसर्ट कर दूंगी। तो ये बहुत ही इजी टू केयर है और इजी टू प्रोपगेशन है। इसका प्रोपगेशन बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आप जरूर से डिवाइड करके इसको लगा लेना। तो अब इसके फर्टिलाइजर की बात भी मैं बता दूं कि कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट में बीच बीच में देती हूँ और
10-15 दिन में किचन वेस्ट का लिक्विड जो बनाती हूँ वो मैं देती हूँ, वो मैं हर प्लांट में देती हूँ तो इसमें भी दे देती हूँ। तो ये आपने देखा ना कितना इजी टू केयर है, इजी टू प्रोपगेशन है, इसकी प्रोपगेशन में कोई नहीं है, बस आप साइड से प्लांट निकालो और इसको सोयल मीडिया में लगा दो तो बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से आपका जो पूरा पॉट है कुछ ही दिन में भर जाएगा। और ये जो पुराना पॉट था उसमें भी मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर का छिड़काव कर दी सो दैट कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, और साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ा सा सोयल मिक्सचर को भी ऐड कर दी हूँ ताकि ये जो मैं छेड़छाड़ की हूँ वो बना रहे। तो इस तरह से आप साइड से प्लांट निकाल के, आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, आप साइड से प्लांट्स निकाल कर भी नया प्लांट्स तैयार कर सकते हो। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। ग्रीन ग्रीन और ग्रीन के बीच में वाइट वाइट कलर का फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जो प्लांट लवर है वो तो जान ही चुके होंगे ये कौन सा प्लांट है, ये पीस लिली है, बहुत ही खूबसूरत एकदम लो केयर में चलने वाला प्लांट है। और आप ये बॉटल में देखो, ये है पीस लिली का एक ब्रांच है पूरा, मैंने डिवाइड करके इसको इसमें रखा है, पानी में रखी हूँ और मैं इसको लगाऊंगी। तो इसको भी इसी तरह से आप साइड से निकाल लो और उसको डिवाइड करो और नया सोयल मिक्सचर दे दो, आपके पास पूरा रो भर के हो जाएगा पीस लिली का। बहुत ही जल्दी ये ग्रोथ करता है। और इसकी लोकेशन की बात करूँ तो इसको तेज़ धूप में बिल्कुल मत रखना, वहाँ रखना जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप आए। देखो कितना प्यारा सा छोटा सा फ्लावर निकल गया है, एक्चुअली ये फ्लावर है भी नहीं, ये तो लीफ है, लीफ के अंदर में जो आपको दिखा ना वो फ्लावर है, ये चीज़ फ्लावर है, ये जो ऊपर में व्हाइट व्हाइट कलर का दिखता है वो फ्लावर नहीं बल्कि लीफ है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एरिका पाम प्लांट। इसको भी आप डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट इजिली बना सकते हो। इस खूबसूरत से प्लांट को आप हर जगह देखते होगे, ऑफिस में कहीं पे भी, आप बड़े बड़े होटल्स वगैरह में साइड में देखते ही होगे, बहुत ही लो केयर में इंडोर आउटडोर दोनों जगह लगने वाला बहुत ही खूबसूरत एकदम लो केयर में चलने वाला प्लांट है। इसको भी आप डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो, इजी वे में बन जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको स्पाइडर लिली को डिवाइड करके दिखाया था, उस तरह से इसका डिवाइड नहीं होगा, इसको आपको पूरा अच्छे से निकालना पड़ेगा। तो फिर जैसे कि ये मेरा बड़ा प्लांट है, अगर छोटा आपका एरिका पाम है तो आप साइड से निकाल सकते हो, लेकिन मेरे जैसा अगर बड़ा है तो आपको अच्छे से पूरा निकाल के बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसको फिर आप निकालो साइड से और उसको नया सोयल मिक्सचर में दे दो। आप डरो मत साइड से डिवाइड करने में, आपका लाजमी प्लांट लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं लगेगा, आपका लगना ही लगना है। तो बहुत ही खूबसूरत एकदम लो केयर में चलने वाला प्लांट है, इसको डिवाइड करके बस लगा देना। मुझे अभी डिवाइड नहीं करना, नहीं तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती कि ये कितना सिंपली डिवाइड हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा बस सिंपली डिवाइड हो जाएगा। और लगने का तो आपको मैं बोली कि डरो मत कि नहीं लगेगा, 101% लगेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रूट बना हुआ रहता है। तो इस तरह से आप डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट इजिली बना सकते हो। और अभी बारिश के टाइम पे आप प्रोपगेशन करके आप बारिश में रख दो तो एकदम फटाक से आपका प्लांट रेडी हो जाएगा। और दूसरा खूबसूरत प्लांट है पेंडनस, इसका नाम पेंडनस है, बहुत ही खूबसूरत एकदम लो केयर में चलने वाला, लो केयर में बोली तो सच्ची एकदम लो केयर में, इवन इसको पानी की रिक्वायरमेंट एकदम कम होती है, एकदम ऊपर का लेयर एकदम ड्राई हो तो ही आप इसको पानी दो और साइड से ब्रांच निकालो और नया प्लांट बना लो। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एलोकेसिया। एलोकेसिया का भी वही है फंडा है कि आप साइड से ब्रांच निकालो, एक स्टेम निकालो और उसके बाद नया प्लांट तैयार करो। अभी मैं आपको साइड से दिखाती हूँ नीचे के किस तरह से उसका प्लांट निकालना है। तो बहुत ही खूबसूरत एकदम लो केयर में चलने वाला एलोकेसिया, इसके पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं चमकीले से। तो देखो यहाँ पे मैं 2 स्टेम दिखा रही हूँ, तो आपको अगर डिवाइड करना है तो इसी तरह से साइड से एक डिवाइड करके निकाल लो, या फिर आपको अगर अपने प्लांट के लिए रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग के टाइम पर बहुत ईजी रहता है, आप रिपोर्टिंग के टाइम पर एक प्लांट से कई प्लांट ईजिली बना सकते हो। अगर नहीं रिपोर्टिंग करना तो सॉइल को थोड़ा गीला कर लो, उसके बाद साइड से निकाल लो, इजी वे में निकल जाता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर का छिड़काव भी साथ साथ करती जा रही हूँ ताकि प्लांट में किसी तरह का कोई कीड़ा और कोई किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो। बीच बीच में आप स्प्रे भी कर सकते हो या फिर आप हल्दी का स्प्रिंकल भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है ये करना हल्दी का। तो इस तरह से आप एलोकेसिया को भी डिवाइड करके लगा सकते हो। और दूसरा जो खूबसूरत प्लांट है उसको भी आप डिवाइड करके इजिली लगा सकते हो, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है फैलोडेंड्रम। इसको भी आप इजी वे में डिवाइड, देख रहे हो ना इतने सारे ब्रांचेस है तो छोटा सा, इसको तो डिवाइड करना बहुत ही सिंपल है, आप कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा। इसको बस थोड़ा सा स्टेम लेके आप साइड से निकाल लो और उसको आप नया सोयल मिक्सचर में दे दो, और इसको आप सिंपल गार्डन सोयल में भी लगाओगे तो इजी वे में लग जाएगा। इवन ये पानी में भी काफ़ी दिनों तक, मतलब सालों सालों तक आपके साथ बना रहेगा। इजी टू केयर है, इजी टू प्रोपगेशन है, प्रोपगेशन जैसे मैंने बताया बहुत ही, ये इवन सिंगल लीव से भी इसका प्रोपगेशन हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत और इजी टू केयर, इजी टू प्रोपगेशन है। और इसकी लोकेशन की बात करूं तो वैसे बहुत तेज़ धूप में मत रखना, बहुत तेज़ धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियां बर्न हो जाएगी। और ये मैं आपको हमेशा दिखाती हूँगी अपने वीडियो में,
दिखाती रहती हूँ, छोटे से डब्बे में भी ये लग जाएगा। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और एकदम लो केयर में चलने वाला प्लांट है, और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। इसको भी आप साइड से निकाल के एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ये स्पाइडर लिली है, और इसके बेबी पप्स भी निकलते हैं, उससे भी आप प्रोपगेशन कर सकते हो। देखो जैसे कि इतने ज़्यादा इसमें बेबी पप्स निकलेंगे कि आप परेशान हो जाए। एक बार आप किसी के यहाँ से डिवाइड करके ले आओ, या फिर आप नर्सरी से ले आओ, या फिर ऑनलाइन ले आओ, कहीं से भी आप ले आओ, उसके बाद आपके पास ये प्लांट का पूरा इतना ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे कि कहाँ रखें और कहाँ किसको दें और कहाँ फेंकें। तो ये बहुत ही खूबसूरत, एकदम लो केयर, केयर के नाम पे बिल्कुल भी नहीं कुछ केयर करनी पड़ती है। बस ऊपर का लेयर जब ड्राई होता है तो ही पानी देती हूँ, बाकी कुछ भी इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लो केयर में चलने वाला ये प्लांट है। और दूसरा जो प्लांट है उसको भी आप डिवाइड करके इजिली लगा सकते हो, और ये कैलेथिया है। कैलेथिया की बहुत सारी, मतलब मोस्टली वैरायटी ऐसी होती है जिसको डिवाइड करके ही लगाया जाता है, तो ये भी बहुत ही लो केयर में चलने वाला प्लांट है। इसको भी आप साइड से डिवाइड करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इसके ब्रांचेस ज्यादा मोटे सख्त नहीं होते, पतले पतले से होते हैं, तो इसको इजी वे में डिवाइड कर दो, साइड से निकाल लो, उसके बाद नया सवाल मिक्सर दे दो, आपके पास बहुत सारा कैलेथिया की प्लांट हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे वैरायटी भी आती है, और सारी वैरायटी बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत होती है। ये जैसे कि आप देख रहे हो ग्रीन है और साइड में पीछे में रेड है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको भी आप ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे छन के एक दो घंटे की धूप आए। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको भी आप डिवाइड करके इजिली लगा सकते हो, और इसका नाम है कैलेडियम। साइड से इसको डिवाइड करना बहुत इजी है, क्योंकि इसके ब्रांचेस बहुत सॉफ्ट से होते हैं, तो इजी वे में इसका डिवाइड हो जाता है, और इसको हार्ट ऑफ जीसस भी कहते हैं। तो एकदम लो केयर में चलने वाला प्लांट है। हाँ, इसको पानी की नीड बहुत ज़्यादा होती है, डेली की डेली ऑलमोस्ट इसको पानी देना पड़ता है, और इसको ऐसे जगह पर रखना पड़ता है जहाँ पर बहुत तेज़ धूप ना है, हल्की फुल्की धूप आए। और दूसरा जो प्लांट है वो बहुत ही हार्डी प्लांट है, मतलब कि आप फेंक के रख दो ना तो भी ये हंसता खेलता रहेगा, ढीठ के जैसा आपके घर से कभी नहीं जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट का नाम है अगेव प्लांट, बहुत प्यारा, एकदम लो केयर। लो केयर मीन्स कि महीनों महीनों आप इसको पानी ना दो ना तब भी ये बहुत ही हेल्दी रहेगा, बहुत ही अच्छे से चलेगा। इवन इसको आप छोटे से पॉलीपैक जो आता है उसमें भी लगा के छोड़ दोगे तो भी वो लग जाएगा, और बहुत जल्दी डिवाइड होता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, फिर आप इसको डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट इजीली बना सकते हो। एकदम लो केयर में चलने वाला, बट हाँ इसको डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके जो टॉप पे होता है उसमें शार्प पॉइंटेड एकदम होता है, कांटा टाइप होता है, तो इसको थोड़ा सा सेफली आप निकालो। जब छोटा प्लांट रहता है तब तो प्रॉब्लम नहीं होता है इसको निकालने में, जब प्लांट बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है उस टाइम पे इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप सेफली आप इसको लगाओगे निकालोगे तो इजी वे में लग जाएगा। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। उस खूबसूरत से प्लांट का नाम है मॉसेस इन द कर्डल। इसमें तीन वैरायटी मैंने देखा हूँ, मेरे पास तीन वैरायटी, और आगे का मुझे पता नहीं कि और कितने वैरायटी, तीन वैरायटी मेरे पास है, तीनों बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इसको डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट इजी वे में बन जाएगा। और ये छोटे से डब्बे, छोटे से पॉट, घर का कोई भी, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि मैंने प्लास्टिक के टोकरी में लगा के रखा, तब भी देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, तो ये किसी भी चीज़ में इजी वे में लग जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें सॉयल मिक्सचर भी बहुत ज़रा सा दी हूँ मैं, थोड़े से सॉयल मिक्सचर में इजी वे में लगने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। एक बार आप इस प्लांट को कहीं से ले आओ डिवाइड करके, एक छोटा सा जब मैं फर्स्ट लाई थी तो एकदम छोटा सा डिवाइड करके ब्रांच लाई थी, उससे देखो कितना ज़्यादा बन गया, तो बहुत ही लो केयर में चलने वाला ये प्लांट है। और दूसरा जो प्लांट है वो तो आपके पास होगा ही, अगर नहीं है तो जरूर जरूर से लगा लेना, ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट तो हर घर होना जरूरी है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो इस प्लांट को तो आप लाजमी लगाओ, और इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हो, साइड से डिवाइड करके भी लगा सकते हो, इवन ये पानी में भी इजी वे में रह जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत, एकदम लो केयर में चलने वाला ये स्नेक प्लांट है, इसको आप लाजमी लगाना, बहुत ही खूबसूरत भी लगता है, और इस तो मतलब लगाना ही चाहिए। और इसको बस मैंने डेकोरेटिव के लिए थोड़ा सा सॉक्स और उसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया, तो इस तरह से भी आप डेकोरेट करके अपने घर को सजा सकते हो प्लांट से, बहुत ही खूबसूरत लगता है, एकदम लो केयर में चलने वाला बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन प्लांट है स्नेक प्लांट। तो फ्रेंड्स, मानसून के टाइम को यूं ही जाने मत दो, डिवाइड करो, कटिंग करो, कुछ भी करके आप प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स लगाना चाहिए, थोड़ा सा आपके आसपास का एनवायरमेंट भी अच्छा रहता है। और मुझे तो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे दुआ में याद रखना।